करती है। नंबर एक भारत का सबसे बड़ा मस्जिद होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद। दोस्तों, मस्जिद के बनने से पहले ही यह खबर आ चुकी है कि यह भारत का सबसे बड़ा मस्जिद होगा। आज तक भारत में इससे बड़ा मस्जिद कभी किसी ने नहीं बनाया होगा। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष मुंबई स्थित बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख ने कहा कि अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद भारत में सबसे बड़ी होगी। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 5 एकड़ जमीन यूपी सरकार की तरफ से मस्जिद के लिए जगह दी गई थी, जो कि अपने निर्माण से पहले ही चर्चा की विषय बनी हुई है। नंबर दो, मक्का के इमाम करेंगे अयोध्या मस्जिद में नमाज। दोस्तों, इस मस्जिद में कोई आम ऐसे वैसे इमाम नहीं, बल्कि मक्का से बुलाए हुए इमाम नमाज पढ़ेंगे। पहली इबादत मक्का के इमाम या इमाम हरम अब्दुल रहमान अल सुदैस की तरफ से की जाएगी। मक्का के इमाम के साथ साथ अरब देशों के बड़े नामी मुस्लिम हस्तियों को भी न्योता दिया जाएगा। किसी देश में ऐसा पहली बार होगा जब मक्का मदीना जैसे मुसलमान के लिए पवित्र स्थल से इमाम आकर नमाज अदा करेंगे। नंबर तीन, ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होगा यह मस्जिद। दोस्तों, जब ताजमहल तैयार हो गया था तब शाहजहां ने उसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट डाले थे, यह सोचकर कि ताजमहल से भी खूबसूरत इमारत पूरे विश्व में कहीं और नहीं होनी चाहिए। हालांकि शाहजहां का यह डर अब असलियत में बदलने वाला है, क्योंकि अयोध्या में बन रहे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद को ताजमहल से भी सुंदर बनाने की बात कही गई है। नंबर चार, दवा और दुआ का केंद्र होगी अयोध्या की मस्जिद। पूरे मस्जिद परिसर में चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक सुविधाएं भी होंगी। इस मस्जिद के अलावा परिसर में एक 500 बेड वाला कैंसर अस्पताल, स्कूल और लॉ कॉलेज, एक संग्रहालय और एक पुस्तकालय और एक पूरी तरह से शाकाहारी रसोई घर भी होगा, जहां लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। नंबर पांच, मस्जिद में होगी सबसे बड़ी कुरान। दोस्तों, यह मस्जिद देश का सबसे बड़ा मस्जिद तो होगा ही, साथ में इसमें देश का सबसे बड़ा कुरान भी मिलेगा। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी, जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। और खास बात यह है कि इस कुरान का रंग भगवा होगा, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते हैं। मुसलमान इसे सूफी संत चिश्ती का रंग कहते हैं। नंबर छह, मस्जिद की हर ईंट होगी खास। अयोध्या में प्रस्तावित मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में लगने वाली हर ईंट बेहद खास है। पहली ईंट पर मस्जिद के नाम के साथ कुरान की आयतें लिखी होंगी। वही मुस्लिम धर्म के जो भी व्यक्ति इस दुनिया से अल्लाह ताला को प्यार हो चुके होंगे, उनके परिवार को इन ईंटों पर उनका नाम दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी।